झारखंड के साहिबगंज जिले में डीएफओ मनीष तिवारी के निर्देश पर वन कर्मी ने बरहेट के छूछी पहाड़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार बीते दिन शनिवार को वन विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर लकड़ी काट रहे असम के बिटुल दिमारी और सोंडे दिमारी को कटे हुए लकड़ी के आधा दर्जन बोटा के साथ गिरफ्तार किया है। आधुनिक व स्वचालित कटर मशीन से ये लकड़ी तस्कर अवैध रूप से लकड़ी काट कर पहाड़ों में ही चौखट बनाने का काम करते हैं। वन कर्मियों ने आधुनिक स्वचालित मशीन बरामद कर उसे जब्त कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी तस्कर मोहम्मद रज्जाक मौके से भागने में सफल रहा, जिसे विभाग सरगर्मी से तलाश कर रही है। बहरहाल वन विभाग की टीम में वनपाल बिहारी मंडल, वनरक्षी राणा रंजीत कुमार चौधरी, मदन मोहन, प्रेम कुमार शाह व होमगार्ड के जवानों द्वारा मिलकर ये बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से लकड़ी तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है। वहीं वन विभाग के वनरक्षी ने बताया कि लकड़ी का अवैध कारोबार साहिबगंज के वन क्षेत्र से लकड़ी काटकर बंगाल समेत अन्य राज्यों में भेजते हैं, जहां से उनकी मोटी कमाई होती है। ये लोग सरकारी जंगल में स्वचालित मशीन से मोहा का गाछ काट के जगह पे ही चौखट बना के ये बंगाल सप्लाई करता था। तो कितने लोग थे और किन के इशारे पर ये कर रहे थे? दो लोग थे, दोनों पकड़ा गया है जबरदस्त से। दोनों आसाम के रहने वाले हैं।